अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बीफ चिल्ली स्मोकी कीमा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कीमा लिया है 1 किलो, ये मैंने कीमा लिया है, ठीक है। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया लिया है, ये मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है, देख लीजिए। भुना हुआ भी है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, ये भी 2 खाने के चम्मच लिया है। बस ज़्यादा थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, हो गया। नींबू का रस लिया है 2 खाने के चम्मच, एक बड़ा नींबू ले लें, उसका रस निकाल लें तो इनफ होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 खाने के चम्मच। गरम मसाले में मैंने यहाँ पर लिया है ज़ीरा, और करीब करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे लिए हैं हरी इलायची 4, काली इलायची 2, काली मिर्चें 12 से 13, लौंगे मैंने 5 से 6 लिए हैं। यहाँ पे दालचीनी के जो टुकड़े लिए हैं मैंने, ये 3 टुकड़े लिए हैं, देख लीजिए। गरम मसाला पाउडर लिया है, ये मैंने लिया है 1 चाय के चम्मच, ठीक है। और यहाँ पे हरी मिर्च लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लें, क्योंकि ये हमें ऐसे नहीं डालनी कि ये ज़्यादा अपनी स्पाइसी छोड़े, और ये स्पाइसी भी नहीं है। नमक लिया है मैंने अपनी ज़रूरत, मिर्च लिए मैंने 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मैंने 1/2 टेबल स्पून, और हल्दी लिए मैंने 1 टीस्पून, यानी कि 4 चम्मच। ये हरी मिर्च मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों में जो है वो कट्स लगा दिए, ये देखिए, और जितने बीच में निकाल सकती थी उतने मैंने निकाल दिए, बाकी आप लोग देख सकते हैं कुछ हैं इसमें, और हमें ऐसी ही चाहिए। यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया 1 मुट्ठी भर के, हरी मिर्चें लिए 2 जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, टमाटर लिए 2 मैंने मीडियम साइज़ के लिए स्लाइस कर लिए, प्याज लिए 1 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली, इसे मैंने चॉप कर लिए, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम कीमा प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप तेल में प्याज डाल देनी है और इसे फ्राई कर लेना है। हल्का सा कलर चेंज हुआ, अब मैंने यहाँ पे साबुत गरम मसाला डाल दिया है, ज़ीरा, लौंग, हरी इलायची, काली इलायची सब डाल दिया है, और सिर्फ वो नहीं डाला गरम मसाला, पाउडर नहीं डाला मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट गया इसमें 2 टेबल स्पून, कीमा भी गया, नमक मिर्च और हल्दी भी गई। तो अब मैं टमाटर डालूंगी, हरी मिर्च नहीं डाली, 1-2 चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डाला, हल्का सा चलाया, बस छोड़ दें, यहीं छोड़ दें, कवर करें। अब इसे हमें तब तक पकाने जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते, तो चेक कर लेते हैं। गल तो गए हैं मगर थोड़ी सी कसर है, तो मैं दोबारा कवर करके पकाऊंगी इसे। और यहाँ पे हम जो है हरी मिर्चों की फिलिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया चाट मसाला और नींबू का रस, 1 टेबल स्पून नींबू का रस लिया और चाट का मसाला लिया। इसको मैं हरी मिर्चों के अंदर लगा दूंगी, और जो 1 टेबल स्पून बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। 5 मिनट बाद तो हम देखेंगे इसे, 5 मिनट बाद ये देखिए इस सिचुएशन में हमने इसे फ्राई कर लिया है थोड़ा सा। हरा धनिया गया इसमें, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया गया, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा गया, और हरी मिर्च जा रही है इसमें। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया मैंने अब क्यों डाला, तो ये देखिए ये इसी स्टेज पे डलती है जब तकरीबन आपका जो है काम पूरा होने वाला होता है, वरना अगर आप पहले डाल देते हैं तो ये जो आपका खाना होता है उसका कलर थोड़ा सा ना चेंज कर देती है, जो कि अच्छा नहीं लगता। अब मैं कोयले का धुआँ दे रही हूँ इसमें,
कोयला लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल टपका दिया है। ये हो गया, गरम मसाला ऊपर से मैं डाल रही हूँ। कितना ज़बरदस्त सा बन के रेडी है। रायते के साथ सर्व करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।